सब्जी मंडी यहाँ से काफी दूर है, समय तो लगेगा। अब क्या करें केशव? ऐसे तो हाथ आया मौका निकल जाएगा तात्या, इतना बड़ा काम फिर से नहीं मिलने वाला। केशव, हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारे साथ साई का आशीर्वाद है? हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ और सोचना होगा, कोई दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं जानता हूं तुम सब अपने मित्र से मिलकर आ रहे हो, लेकिन यहां एक और नन्हा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। केशव, याद है हम बचपन में द्वारका माई में खेलने जाते थे तो सब कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते थे और मिल बांट कर खाते थे। मैं तुम्हें पूरन पोली देता था और तुमसे भाकरी लेकर खाता था। तात्या, हमें सब्जियां कैसे मिलेंगी हमें इस पर विचार करना है, और तुम हो कि बचपन की बातें याद कर रहे हो। केशव, क्यों ना हम बचपन जैसा ही प्रयास करें तो? मतलब मैं ये अनाज घर से दान देने के लिए लेकर निकला था, क्यों ना हम इस अनाज की जगह सब्जियां ले तो? मैं ये अनाज बाद में भी दान दे सकता हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि हम घर घर जाएं और उनसे इस अनाज के बदले सब्जियां देने के लिए कहें? हाँ, और देखा जाए तो अनाज सब्जियों की तुलना में ज्यादा महंगा है, तो जो भी इसे लेगा वो घाटे में नहीं रहेगा। मुझे लगता है केशव, कोशिश करने में कुछ बुराई नहीं है। चलो। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। क्या
लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी सब्जियां कहां से और कैसे लेके आए तुम? हमने कहा था ना साहब, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं। हम में जोश है, उत्साह है, और हम कुछ ना कुछ कर कर रास्ता निकाल ही लेते हैं। वाकई में तुमने मुझे प्रभावित कर दिया है। आज से सब्जियों का ठेका तुम्हें दे दिया। धन्यवाद साहब। थैंक यू। लेकिन याद रखो, ये छावनी बड़ी है, कम से कम 200 लोगों का खाना बनता है यहाँ, तो जाहिर है कि सब्जियां भी रोज लगेंगी। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या आंधी तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, सब्जियां समय पर यहाँ पहुंचनी चाहिए। अगर ये कर पाओगे तो ही हाँ करना। मंजूर है। गुड। बाबा बताइए ना, आप ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे मामा जी के साथ शादी में बंबई जा रहा हूँ, ताकि वहां कुछ गहने बेच सकूं। कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्द लौट आऊंगा। अपना ख्याल रखना, जा। आहो, ये लीजिए आपके और दादा के लिए पूरन पोली, रास्ते में खा लीजिएगा। और हाँ, पिछली बार की तरह गाय बकरी को मत दे दीजिएगा। हाँ हाँ, हम ही खाएंगे। सुनो, मेरी गैर मौजूदगी में परी के साथ ज्यादा सख्ती से पेश मत आना। कहाँ हो विश्वास राव? आ गया जीजा जी, आप जरा इसे बाहर सामान में रखिए, मैं बस अभी आया। ठीक है। तारा, मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसे याद रखना, और कभी भी अपनी दिनचर्या को भूलना नहीं। सुबह शाम उपटन लगाना और दोपहर में कढ़ाई करना, और अगर आत्या को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो घर के कामों में उसकी मदद करना। और परी बेटा, ये लो, इसमें रक्त चंदन है, सुबह शाम इसे अपने चेहरे पर लगाना, तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा। तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी आई से कुछ बात करनी है। जीजाजी ने अभी जो कहा वो सुना मैंने, और उनकी यही बात मुझे पसंद नहीं। परी उनकी छूट के कारण ही इतना बिगड़ चुकी है, लेकिन तुम तो माँ हो, तुम कैसे नजरअंदाज कर सकती हो परी की गुस्ताखियों को? जमाने के चाल चलन को एक औरत से ज्यादा कौन समझ सकता है शुभांगी? और तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हारी शादी के लिए हम सबको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था? आई बाबा कितनी चिंता में रहते थे तुम्हारे रंग को लेकर। गांव में सब लोग ताना मारते थे कि कोई लड़का शुभांगी को पसंद नहीं करता, लड़के मुंह पे ना कर देते थे, कहते थे लड़की का रंग सांवला है। क्या तुम ये सब कुछ भूल गई शुभांगी? जमाना आज भी वही है, तारीखें बदल गई हैं, लेकिन सोच नहीं। तुम परी के साथ सख्ती से पेश आओ, उसे घर का कामकाज सिखाओ, क्योंकि रंग रूप ना भी सही, गुण के कारण ही कोई उसे पसंद कर ले। और वैसे भी एक लड़की का सबसे अच्छा गुण उसका कामकाजी होना है,
और इसके सिवा कुछ नहीं। दादा ने मुझे मेरी शादी के पहले के दिनों की याद दिला दी जो शायद मैं भूल चुकी थी। दादा सही है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। मैं वादा करती हूं आपसे कि जब आप वापस आएंगे तब आपकी मुलाकात एक बहुत ही समझदार और बहुत ही जिम्मेदार परी से होगी। पिता बनकर बच्चों का पालन पोषण करना ये अपने आप में एक यात्रा है और इस यात्रा में कभी ना कभी सभी भटक जाते हैं, गलतियां करते हैं। पर ये याद रखना जरूरी है कि बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपजाऊ होता है। माँ बाप का बच्चों के प्रति गलत बर्ताव उन्हें जीवन भर के लिए घाव दे सकता है। मां बाप का यह फर्ज है कि वो बच्चों को सही राह दिखाएं और सही राह दिखाने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। पर धैर्य सबके पास कहां? जहां धैर्य नहीं होता वहां मां बाप अधीर होकर बच्चों को डांट डपट कर उन पर क्रोध करके उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, क्योंकि अभिभावक के रूप में वो खुद को असफल होते नहीं देखना चाहते। तुरंत परिणाम की इच्छा में वो भूल जाते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई पोषक नहीं है, प्रेम से बड़ा परिवर्तन और बदलाव का कोई माध्यम नहीं है। और जो ये समझ जाता है वही सफल है। राम जी भला करे। फिर क्या बात हो सकती है? ये तो वही जाकर पता चलेगा। अली भी माँ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? गोविंदा ने हमें उस पेड़ के पास आने के लिए कहा जहाँ हम खेला करते थे, और ये भी कहा कि हमारा आना बेहद जरूरी है। उद्धव ने भी हमें यही कहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस बारे में है। चलो वहां चलकर देखते हैं। ये सब क्या है? तब और गोविंदा तो ये नहीं कर सकते, फिर किसने किया होगा? हमने। इतनी सारी खाने की चीजें हमारे लिए? हाँ। किस खुशी में? पिछले कुछ दिनों से मैं और केशव एक साथ व्यापार करने की योजना बना रहे थे। मतलब तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था और तुमने हमें नहीं बताया? जिसकी बात है उसी से पूछो, बैठ जाओ। साई के मार्गदर्शन से हम लोग नगर में ब्रिटिश छावनी में सब्जियां पहुंचाने का ठेका लेना चाहते थे, और अच्छी बात यह है
कि हमें वो ठेका मिल गया है। साई की कृपा से हमारा कारोबार शुरू हो गया है। अरे वाह केशव, अभिनंदन। मुबारक हो केशव, अभिनंदन केशव। अरे वाह केशव, ये हुई ना खुशखबरी। बधाई हो तात्या। भव और गोविंदा कहीं नजर नहीं आ रहे। हमें यहाँ बुला के खुद कहाँ गायब हो गए दोनों? वो दोनों परी को बुला कर लाने के लिए गए हैं। मैंने ही भेजा है। जब तक वो लोग आते हैं तुम लोग शुरू करो। ए, हट सामने से, हट। हाँ, हट। ए, हट। हट। हरिओम। मेरे सुख शांति में ये बैरागी पहले से ही सेन लगाए हुए था। जो थोड़ी बहुत शेष थी उसे अब मेरा बेटा दिन दहाड़े लूटने पे उतारू है। मुझे अपमान का घूंट पीकर कैसे रहना पड़े, इसके लिए केशव नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? हाँ, आंखें नीचे कर, आंखें निकाल लूंगा। चल हट सामने से, हट। चलो चलो। मुझे सरकार से बात करनी है। अरे मुंह उठा के कहाँ चला रहा है? जानता नहीं सरकार का रास्ता नहीं काटते? और तू सामने से बिना सींग के गधे की तरह चले आ रहा है। चल हट सामने से। सरकार, मैं कब से आपके शिरडी लौटने का इंतजार कर रहा था। सरकार आप बाड़े पे जाएं, किसी दूसरे व्यक्ति से पता चले, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ सरकार। चुप। इतना दुस्साहस? एक तो बीच रास्ते में मुझे रोकता है, दूसरे यही पे बात करना चाहता है तू? वाड़े पे नहीं आ सकता था? स्वयं को क्या लाड साहब समझता है तू? चल हट सामने से। चलो चलो। सरकार, आपको जाना है तो जाइए सरकार, लेकिन सरकार ये बात आपके बेटे से जुड़ी है। उसने आपकी अनुपस्थिति में क्या किया वो बताना चाहता था सरकार। रुक जाओ। मेरे बेटे ने क्या किया है मेरे अनुपस्थिति में? सरकार आपका बेटा केशव, बहुत सारे काम हैं। कचोरी खाना है तो चल हमारे साथ। जलेबी कचोरी, रुको मैं भी आती हूँ। कहाँ चली? मुझे बिना बताए बाहर जा रही थी। बहुत हो गया, आज से सूर्य उदय से अस्त होने तक तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। घर के काम काज में मेरी मदद करेगी, समझ आया? घर के बाहर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इसे पकड़। चल अब घर की सफाई कर, और इसके बाद तुझे बर्तन भी धोने। आत्या,
बर्तन मैं कर सकती हूँ। नहीं तारा, परी करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? परी, सारा काम करके रसोई में आना। सब्जी कैसे काटनी है, कैसे बनानी है, ये भी तो सीखना है तुझे। सुना नहीं तुम दोनों ने, परी कहीं नहीं जा रही है, ऐसे ही काली है। धूप में खिला खिला कर और भी काला करना चाहते तुम दोनों। चलो जाओ यहाँ से, उसे काम करने दो। चलो अब काम करो। कितना मजा आता होगा ना अपने दोस्त के साथ काम करने में। काम का काम, पैसे का पैसा और दोस्त का हमेशा साथ, क्या बात है। हाँ वो तो है केशव। तात्या, तुम दोनों एक बात गांठ बांध कर रख लो कि आज से तुम दोनों न केवल बचपन के साथी हो बल्कि व्यापार में साझेदार भी हो। और सही संपर्क के अभाव में कारोबार में गलतफहमी हो जाना यह बहुत आसान सी बात है, पर एक बात याद रखना, किसी भी समस्या को बातचीत के जरिए एक दूसरे पर भरोसा करके सुलझाया जा सकता है, उसका निपटारा किया जा सकता है। जैसे तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त होने के नाते एक दूसरे पर भरोसा करते हो, वैसा ही भरोसा काम के मामले में भी करना। फिर देखना, तुम्हारे व्यापार को फलने फूलने से कोई नहीं रोक पाएगा। जरूर साईं, हम एक दूसरे पे हमेशा भरोसा करेंगे, हमेशा विश्वास रखेंगे। साई, वैसे उद्धव और गोविंद अब तक परी को लेके नहीं आए, बहुत देर हो गई उन्हें आने में। अरे देर से याद आया, मैं अब तक घर नहीं गया हूँ, मुझे घर जाके अपने आई बाबा को भी ये खुशखबरी देनी है। तुम लोग घर जाकर अपने घर वालों को खुशखबरी दो और तुम लोग भी जाकर अपना काम करो, मैं बच्चों का यही इंतजार करूंगा। ठीक है साई। क्या बात है, हमारी खैर नहीं। केशव, तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही है बेटा? अरे बेटा, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्रोधित नहीं, प्रसन्न हूं बेटा, प्रसन्न हूं। मुझे तुम पर अभिमान हो रहा है बेटा। उस दिन मैंने तुम्हें यह कहकर उकसाया था कि तुम्हारे मामा के पैसे खत्म हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे। केशव, केशव, उसका परिणाम देखा, तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया। केशव, अपने पैरों पे। मतलब आप
गुस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं बेटा। दुनिया का हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा आत्मनिर्भर बने, अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाए। हंता पंता। जी सरकार। ये लो, सब में मिठाइयां बांटो। मेरा बेटा व्यवसायी बन गया है और वो भी मेरी सहायता लिए बिना। जैसे मैं बन गया था वैद मेरे पिता की सहायता लिए बिना। आज का दिन उत्सव की तरह मनाएंगे। रुक्मिणी जी, जितना संभव हो सके उतने पकवान बनाओ, मिष्ठान बनाओ। अरे वाह, मतलब आज बहुत सारे पकवान मिलने वाले खाने के लिए। हाँ चीव, अंता पंता चीव के लिए अतिरिक्त लड्डू मंगाओ। आज दिन भर इसका मुंह लड्डुओं से भरा रहना चाहिए। अरे जाओ। केशव ऐसे क्या देख रहा है बेटा? व्यवसायी बन गया है तो अपने पिता से आशीर्वाद नहीं लेगा? महसूस कर रहा हूं केशव, मैं तुम्हारे साथ इसलिए सख्ती से पेश आता था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने जीवन में कुछ बनो और तुम बन गए हो केशव। पास वाले गांव से आए और आपके इंसाफ के बारे में सुनकर आपसे इंसाफ मांगने आए। हाँ साईं, अब आप ही हमारी समस्या का हल कीजिए। पर आपकी समस्या क्या है? जी, मेरे पिताजी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी थे और मैं भी बहुत कम उम्र से ही उनके सहायक के रूप में उनके साथ काम करने लगा था, लेकिन हाल ही में उनका देहांत हो गया और उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैं मंदिर का मुख्य पुजारी बनने ही वाला था कि इस गोपाल ने गांव में ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि पिताजी ने मरने के पहले इसे ये कहा है कि मंदिर का मुख्य पुजारी इसे बनना चाहिए। साई, मंदिर का पुजारी बनना हमें विरासत में मिला है और विरासत हमेशा व्यक्ति के पुत्र को ही मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता की विरासत पुत्र को मिलती है, जहां तक जमीन जायदाद का प्रश्न हो, जहां काम का प्रश्न हो, सेवा का प्रश्न हो, वहां व्यक्ति की योग्यता देखी जानी चाहिए या नहीं। मैं शांतनु से अधिक योग्य हूं और हम दोनों ने साथ में मिलकर पुजारी जी से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। दोनों ने मिलकर उनकी खूब सेवा की। उनके आखिरी समय में जितनी सेवा शांतनु ने की है उतनी ही सेवा मैंने भी की। लेकिन मरने से पहले शांतनु के पिताजी ने मुझसे कहा कि मेरे बाद मंदिर का पुजारी तुम्हें बनना चाहिए। उन्हें लगा होगा कि मैं मंदिर का काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। नहीं साई, गोपाल झूठ बोल रहा है। मेरे पिताजी मुझसे बेहद प्यार करते थे और वे परंपरा के भी पक्के थे, पर वे अपने पुत्र को छोड़कर किसी दूसरे को क्यों पुजारी बनाना चाहेंगे? शांतनु, मैं मानता हूं कि पुत्र के रूप में तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पुजारी के रूप में उन्होंने मुझे चुना था क्योंकि मैं तुमसे बेहतर था। ना तुम बेहतर थे ना हो। मैं बेहतर था और हूँ। मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं बेहतर हूँ। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे चुना है। अरे पिताजी जानते थे कि मैं तुमसे ज्यादा। मेरे पिताजी को मेरे बारे में तुमसे ज्यादा पता था। शांत हो जाइए आप दोनों, आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। है तो बताइए ना साईं। आपकी समस्या भगवान की सेवा से संबंधित है, तो क्यों ना इसका फैसला भी हम भगवान पर ही छोड़ दें। भगवान पर? कैसे साईं? भगवान यहाँ फैसला करने नहीं आएंगे। भगवान के पास कई तरीके होते हैं।
जिससे वो हमें ये बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्या निर्णय है उनका। मैं आप दोनों की एक परीक्षा लूंगा और उस परीक्षा में जो भी सफल होगा वही मंदिर का पुजारी बनेगा। ठीक है साईं, मुझे भी आपका फैसला मानने होगा। परी उठ गई, अब जल्दी से बिस्तर छोड़ो और लग जाओ घर की साफ सफाई में। झाड़ू पोछा हो गया हो तो नहा लो और उसे घर में आकर मेरी मदद करो खाना बनाने में। कोशिश करती रहो, आदत नहीं है इसलिए खांसी आ रही है, सीख जाओगे तो खांसी नहीं आएगी। दिनों से मेरी बनाई रोटी खाती हूँ, कभी देखा है रोटी गोल कैसी होती है? आई, रोटी गोल हो या चौकर क्या फर्क पड़ता है, जानी तो पेट में है। जैसा कहा है वैसा करो, फिर से बनाओ और इस बार रोटी गोल ही बननी चाहिए। अब ठीक है, अब इसे तवे पे रखो। अब दूसरी रोटी बेलो, तुम लगी रहो मैं कपड़े धूप में डालकर आती हूं।
सेकने का काम मैं करती हूँ। रुको तारा, तुम कुछ नहीं करोगी, आज रोटी परी ही बनाएगी। अब रोटी मुझे ही बनानी होगी, उठो। इस कलश को हाथ में लेकर आप दोनों को ही मारुति मंदिर की 3 परिक्रमा करनी होगी। मारुति मंदिर? वो कहाँ है? यहाँ आते समय मारुति मंदिर नहीं देखा? जी मैंने देखा है। जय श्री राम का नाम जपते हुए मंदिर की परिक्रमा करनी है और नाम कितनी बार जपा है ये भी याद रखना है। साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि कलश का जल बाहर नहीं गिरना चाहिए। जो भी अधिक बार जय श्री राम का नाम जपेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कलश का जल बाहर ना गिरे, वही विजेता होगा और वही मंदिर का पुजारी बनेगा। तो बोलो, है मंजूर? ठीक है साईं, ठीक है साईं। आपने जैसा बताया है हम वैसा ही करके जल्दी जल्दी वापस आते हैं। रसोई में आओ और लेकर जाओ। ये है ना, पर ये तो जली हुई है। तुम ही ने बनाई है ना, तो खाओ भी और ये ही तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम दोबारा कोई गलती ना करो। भविष्य में और ध्यान से रहोगी तुम। आई सब्जी? आज तुम्हें रोटी बिना सब्जी के ही खानी पड़ेगी। कोई सवाल नहीं, खाना है तो खा वरना भूखी रह। Oh,
तुम्हें जली हुई रोटी खिलाने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मां हूं तुम्हारी। पापा की लाड प्यार से तुम बिगड़ गई हो। अगर वो तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करते तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे भविष्य का सवाल जो है, रोटी चाहिए? हाँ आत्या, दो रोटी मिलेगी, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, भर पेट खाओ। परी, तुम ये लो और उस रोटी को फेंक दो। नहीं तारा, मैं ये रोटी नहीं खा सकती, क्योंकि साईं कहते हैं कि अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं यही रोटी खाऊंगी। एक तो कड़वी, ऊपर से सब्जी भी नहीं है। भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी
महिमा मेरे साई कौन जान पाया। दादा दादा, ये केशव का पाटिल के बेटे के साथ व्यापार करना, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। और दादा, तुम चाहे जितनी भी खुशी दिखा लो, बहन हूं मैं तुम्हारी, अपने भाई का दुख समझती हूं मैं। हरिओम हरिओम। जो एक तू ही है जो मुझे पढ़ लेती है। जब से मैंने उस पाटिल के बेटे के साथ साझेदारी की बात सुनी है, तब से मैं इन दो मित्रों की साझेदारी तोड़ने की योजना बना रहा हूं। लेकिन बात यह है कि केशव अब बड़ा हो गया है। यदि मैंने सामने से कुछ किया तो हो सकता है इस बार मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं। तो मित्रों के बीच, मनमुटाव के बीच बोने होंगे मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। चू, तो क्या सोचा है दादा तुमने? मेरी योजना तभी काम करेगी चू, जब केशव कुछ समय के लिए शिरडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो? पर वैनी तो मानती है ना। चिताई, ये लीजिए। अरे वाह वैनी, इतनी जल्दी? हाँ, कितनी अच्छे हो तुम वैनी, कितना ख्याल रखती हो मेरा। जरा मोदक भी मिल जाते तो बहुत मजा आता वैनी। नहीं माफ करना वैनी, तुम भी सोचती होगी कितना परेशान कर दी है चिताई, है ना? नहीं नहीं चिताई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह, देखो दादा, ये होते हैं मायके में रहने के फायदे, खूब सेवा होती है औरतों की। इसलिए दादा, औरतें मायके भागने के लिए एक पैर पे खड़ी रहती है। अब मुझे पता चल गया है, केशव और तात्या के बीच में फूट डालने के लिए क्या करना है। क्या करना है? बताओ बताओ, क्या सोचा है दादा तुमने? चलता हूँ भाई। राम साई, राम जी भला करे। चलते हैं। आओ साई, मैं अभी आई। मैं तात्या के सामने चुप रही, लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकती तात्या केशव के साथ व्यापार कर रहा है। ये बात सुनकर कुलकर्णी खुश हो? हमारी गिरवी रखी जमीन को वो हड़पना चाहता था, और हमने वो जमीन उसके पैरों तले से खिसका ली। और कुलकर्णी जैसा अहंकारी इंसान इतनी आसानी से ये बात भुला सकता है? और वैसे भी हम उसको फूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि हम साईं के करीबी जो है। आई, आपकी चिंता बिल्कुल सही है, क्योंकि कुलकर्णी सरकार पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते, लेकिन बायजा और मैं केशव पर पूरा भरोसा करते हैं। और वैसे भी साई ने कहा है कि हमें अपने बच्चों को उनके जीवन का उद्देश्य खोजने से रोकना नहीं चाहिए। लेकिन असफलता हाथ लगी तो क्या होगा?
बात बताइए आजी, जब तात्या ने चलना शुरू किया था तो क्या वो कभी गिरा नहीं था? गिरा था, बहुत बार गिरा था। पर फिर भी आपने उसे चलने से रोका नहीं। अगर गिरने के डर से आप उसे रोक देती तो क्या वो कभी चलना सीख पाता? और फिर असफलता से घबराना क्यों? असफलता तो जरूरी है, क्योंकि असफलता के बाद ही तय होता है कि वहां से इंसान सफलता की यात्रा करने का साहस रखता है या नहीं। असफलता तो हमें सिखाती है, हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराती है असफलता। और जिसने असफलता नहीं जगी, उसे सफलता का असली स्वाद कैसे समझ में आएगा? राम जी भला करें। जय श्री राम का नाम जपते हुए मंदिर की परिक्रमा करनी है, और नाम कितनी बार जपा है ये भी याद रखना है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब तो मैं ही बनूंगा मंदिर का पुजारी। साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि कलश का जल बाहर नहीं गिरना चाहिए। जो भी अधिक बार जय श्री राम का नाम जपेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कलश का जल बाहर ना गिरे, वही विजेता होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तीन लोगों के बर्तन धोने में तुम्हें इतना समय लग रहा है। अगर किसी बड़े परिवार में तुम्हारी शादी हुई तब क्या करोगी? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बारीक बारीक काटो। क्या हुआ परी?
मामूली से कटा है। रसोई में काम करने वाली औरतों के हाथ रोज इस तरह कटते और जलते रहते हैं। ये देखो, तुम एक लड़की हो इसलिए इस तरह के दर्द को सहने की आदत डाल लो। फिर से काटना शुरू करो। हम वापस आ गए साई, और देखिए मेरा कलश अभी भरा हुआ है। और जानते हैं आप, मैंने कुल 806 बार राम के नाम का जाप किया है। साईं, मेरे कलश से सारा पानी गिर गया। तो मुझे होश भी नहीं कि मैंने कितनी बार राम नाम का जप किया। लीजिए साई, आपके अनुसार फैसला हो गया और आपकी परीक्षा में मैं सफल हुआ। वैसे देखा जाए तो किसी परीक्षा की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि पुत्र भी मैं ही हूँ और योग्य भी मैं ही, इसलिए उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ। गोपाल, शांतनु के पिताजी बिल्कुल सही थे। उन्होंने बिल्कुल सोच समझ कर ही तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है। मंदिर का पुजारी तुम्हें ही होना चाहिए। सच सही? हाँ। लेकिन साई, आपने तो जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि गोपाल सही मायनों में ईश्वर का भक्त है। वो ईश्वर की भक्ति में ऐसा खोया कि किसी बात की सुध ना रही। और आप? आप इस बात में खोए रहे कि जीतेंगे कैसे। पर गोपाल, गोपाल ने जैसे ही राम का नाम लिया वो राममय हो गया। आपके पिता ने गोपाल में ईश्वर भक्ति के गुण देखे थे जो कि आप में नहीं थे, और ये बात आप भी भली भांति जानते थे, क्योंकि आपके पिता ने बीमार होने से पहले अपना निर्णय आपको बताया था। पर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद आपने सोचा कि पुजारी का पुत्र होने के नाते उत्तराधिकारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर शांतनु, किसी भी व्यक्ति में पुजारी बनने के लिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उपासना, विश्वास, भक्ति और सेवा के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं होना चाहिए। और एक सच्चे पुजारी को इससे अधिक किसी भी वस्तु की चाह नहीं होती है। तुम भी जानते हो कि ये सभी गुण गोपाल में हैं। साईं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, ईश्वर के चरणों में है। लोग आपके बारे में सही कहते हैं साईं, आप उस जगह नहीं होकर भी सब कुछ देख सकते हैं। मुझे माफ कर दो साईं। इसमें थोड़ा हल्दी मिला देती हूँ, ज्यादा असर करेगी और जल्दी से परिकरण साफ हो जाएगा। परी, उपटन लगवा ले। आई, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो क्या हुआ, भूल गई मामा जी क्या कहके गए थे? रोज लगाना है, चल इधर आ।
आई आपने कटे हुए ऊपर लगा दिया, बहुत जल रहा है। अच्छा, ये सब तुझे धूप में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब इन सब की आदत डाल ले। जल्दी घर लौट आइए। राम जी भला करें। ये ले। ये तेरे लिए। साई, सारे फल तो आपने हमें दे दिए, तो आप क्या खाएंगे? जैसे मैंने तुम्हें फल दे दिए हैं, ऐसे ही कोई ना कोई मुझे भी फल दे जाएगा। यही कर्म का चक्र है, जो हम करते हैं वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस आ ही जाता है, समझे? बाबा, थोड़ा तो खाना खा लीजिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बाबा, एक दिन की बात होती तो ठीक था, आपने अपने आप को देखा है, अगर ऐसे ही खाना नहीं खाएंगे तो और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे खाने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है। क्या बात है? नाम साई, बाबा को अब आप ही समझा सकते हैं। देखिए ना, कुछ खा ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये कुछ खाना नहीं चाहते? पिछले साल से हम लोगों के साथ एक के बाद एक हादसे हुए हैं। हम लोग तो उससे उभर गए, लेकिन बाबा, बाबा बिल्कुल टूट गए साई। वो अभी तक कुछ नहीं भूले हैं साई। भुलाए नहीं भुला पाता है साई, सब कुछ आंखों के सामने घूमते रहता है, जैसे कि ये सब कल हुआ हो। पिछले साल नवे वर्ष की खुशियां मनाने अपने पत्नी को लेकर मैं बंबई गया था, ये वही नौकरी करता था। उस समय मुझे एक तकलीफ थी, घुटने दुखते थे मेरे, मगर जैसे ही मैं बंबई पहुंचा, पता नहीं क्यों मेरे घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया कि इससे देखा नहीं गया, और ये मुझे अंग्रेज चिकित्सक के पास ले गया। इलाज महंगा था, एक तो ये किसी तरह वहां रह रहा था, उसमें इलाज का इतना सारा खर्चा करना पड़ा उसे। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बंबई जाने का ख्याल मेरा था, मैं अपने बेटे और पत्नी को खुश करना चाहता था, पर सबको मैंने दुखी कर दिया। गांव में लौटा तो नौकरी जा चुकी थी, उसके कुछ समय बाद मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और चल बसी। उसके दुख से उबरा ही नहीं थकी। एक हादसे में मेरे छोटे बेटे की टांग चली गई। जैसे अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि मेरे बड़े बेटे की नौकरी चली गई और ये बंबई से यहाँ वापस आ गया। पिछले एक साल में एक के बाद एक जो दुख मुझे मिले, इससे तो मेरा मर जाना ही ठीक है साईं, मर जाना ही ठीक है। हमारे पड़ोसी हमसे कहते हैं कि ये तुम्हारे कर्म है। Ah, 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 ah.
मान लीजिए ये आपका कर्म है। कर्म अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्म का भी। समझ में आया? बाबा, मैं आपके लिए लेप लाया हूँ, आपके पैरों में लगा देता हूँ, इससे आपकी तकलीफ कम होगी। बेटा, हाँ। तुम हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हो? बाबा, ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का मौका मिलता है मुझे। आई, ये तुम क्यों कर रही हो? तुम आराम करो ना। बेटा, बहू पानी भरने गई है, तो मैंने सोचा कि इतना काम कर लो तो उसको। आई, तुमने सारा जीवन काम करके निकाल दिया, अब तो आराम करो, और मेरे होते कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लाइए, मैं करता हूँ, आप उधर बैठिए बाबा के साथ। बहू, आपका बेटा, उसके साथ लोहा भट्टी में दुर्घटना हुई है, उसके पैर में चोट आई है। हे भगवान, कितना गुर्दा। इसे वैद्य के पास ले जाना होगा। अरे जबर बेटा, अरे तो जल्दी कीजिए, इसे मेरे बैलगाड़ी में ले चलिए, जल्दी। हाँ, जल्दी चलिए, इसे जल्दी से ले चलिए बैलगाड़ी। चलो भाई, चलो भाई, जल्दी चलो, चलो भाई, चलो भाई, जल्दी चलो। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी ऐसी हालत देखकर। अगर हम दोनों मिलके काम करते तो काम जल्दी भी होता। मुझे तो आदत भी है, इसलिए मैं तेजी से काम कर सकती हूँ। लेकिन आत्या मुझे कोई काम करने ही नहीं दे रही है। कोई बात नहीं तारा, तारा तुम्हें घर का काम करना बहुत पसंद है ना? पता नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। बाबा और आई चाहते हैं, इसीलिए करती हूँ। परी, काम में ध्यान दो, बातों में नहीं। शुभांगी, पानी भरने जाना है ना, जल्दी चलो। हाँ, अभी आई। अरे परी, ये तुझे क्या हुआ? तू तो परी से पीली परी बन गई। क
काली परी से पीली परी बेहतर है। मेरे पीठ पीछे कोई शैतानी मत करना और बाहर जाने की तो सोचना भी मत। बर्तन धोने के बाद सब्जी काट देना और तारा से कोई भी काम नहीं करवाना, समझी? चलो। बावजूद भी क्यों नहीं जा रहा? चल गोविंदा, काकी पानी भरने गई है, अब हम परी से बात कर सकते हैं। चल। आप मुझे अतीत में क्यों ले गए थे? वो आदमी जो अपनी बैलगाड़ी लाया था आपके छोटे बेटे के लिए, जानते हैं वो कौन था? नहीं सही, मैं तो उसे पूछना ही भूल गया। वो उस भट्टी का निरीक्षक था। एक बार उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, मगर आपके बेटे ने अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से न केवल उसे बचाया बल्कि उसे वैद्य के पास भी ले गया। ऐसा करके आपके बेटे ने पुण्य कमाया था और उसी के परिणाम स्वरूप आपके बेटे ने पैर तो खोया लेकिन उसकी जान बच गई। मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। जो खोया सो खोया, वो वापस तो नहीं आने वाला, पर जो है उसके लिए जीना शुरू कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने साई, मैंने यहां नई नौकरी भी ढूंढ ली है और मेरा छोटा भाई भी कुछ नया करने का सोच रहा है। बस चिंता है तो बाबा की। देख रहे हैं आप, आपने अपने माता पिता की बहुत सेवा की थी और उसी का परिणाम है कि आपके बच्चे, आपके बेटे आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसे परिवार के लिए तरसते हैं लोग। आने जाने हैं और साए, बाबरा ये मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये राम समझाए। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई। छोड़ना परी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तुमसे मिलने आए हैं। जब से तुम घर से बाहर नहीं निकल रही हो तब से हमारा खेलने में भी मन नहीं लगता। मैं क्या करूं, आई घर से बाहर निकलने देती नहीं, बस दिन भर घर के सब काम करवाती है। ये देखो, ये हाल है, फिर भी काम कर रही हूँ। और एक आई है, ये एक के बाद एक काम देती जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आई मुझसे प्यार ही नहीं करती है। ये सब बीस की वजह से हुआ है। जब से आई है तब से ही तेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ परी, गोविंदा सही कह रहा है। नहीं गोविंदा,
तारा बहुत अच्छी है, मैं गोरी नहीं हूँ तो जैसे इसमें मेरी गलती नहीं है, वैसे ही अगर तारा गोरी और सुंदर है तो इसमें तारा की कोई गलती नहीं है। बस ऐसा लगता है मुझे कि अगर मेरा रंग किसी तरह साफ हो जाए तो आई को भी बहुत खुशी होगी, तभी तो आई मुझे लेप लगाई थी। लेप लगाने से कोई गोरा हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मामा जी ऐसा कहते हैं। पर बाबा तो कहते हैं कि अच्छी सेहत अच्छे खुराक से आती है, तो रंग भी अच्छे खुराक से ही आता होगा ना। अच्छा, ऐसा क्या खाऊं पीऊं मैं? मैं बताऊं, आई मुझे हल्दी के दूध में केसर डाल के देती है, वो कहती है कि ये सेहत और रंग के लिए अच्छा होता है। वैसे तारा सच कह रही है, दूध वाली बात तो हम सबने भी सुनी है। तुम भी दूध में ढेर सारा केसर और हल्दी मिलाकर पिया करो, हो सकता है तुम्हारा रंग साफ हो जाए और तुम्हारी आई तुम पर इतनी कड़ाई ना करे, सख्ती से पेश ना आए। शायद तुम सही कह रहे हो। परी, चल लेप लगा। तारा, ये कब सोई? बहुत पहले, थक गई थी इसलिए बिस्तर पर लेटते ही सो गई। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर ले मेरी बच्ची, दुनिया के ढंग सीख जाएगी तू, फिर किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी तुझसे। चलो तारा, तुम भी सो जाओ। नींद ही नहीं आ रही है आत्या। क्यों, आई की याद आ रही है? जब घर में मुझे नींद नहीं आती थी तो आई मुझे कहानियां सुनाती थी, इसलिए आज आई की बहुत याद आ रही है। आई नहीं है तो क्या हुआ, आते हैं ना, आज कहानी मैं सुनाऊंगी तुम्हें। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा की एक बेटी थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन राजकुमारी के सांवले रंग की वजह से वो बहुत उदास रहता था। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि राजकुमारी की सांवले रंग की वजह से कोई भी राजकुमार उससे शादी नहीं करना चाहता था। अरे शुभांगी, सुना है तुझे एक और लड़के ने नापसंद कर दिया? आदमी चाहे कितने भी उम्र का क्यों ना हो, अपने लिए गोरी चिट्टी दुल्हन चाहता है। राजकुमारी उदास रहने लगी और राजकुमारी को उदास देखकर उसके माता पिता भी उदास रहने लगे। और कुछ समय बाद वो राजकुमारी को ये कहकर डांटने लगे कि उसकी वजह से उनकी समाज में बदनामी हो रही है। आत्या, मुझे तो उस राजकुमारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या उसके साथ कुछ अच्छा हुआ? शादी हुई उसकी? हुई ना। कैसे? एक दिन राजा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ भी करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, उसके राज्य में कोई भी गरीब या भूखा नहीं रहेगा। और राजा ने वैसा किया भी। फिर भगवान ने राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने को कहा, और राजा ने वर मांगा कि मेरी बेटी गोरी हो जाए, और राजकुमारी गोरी हो गई।
और कुछ समय बाद राजकुमारी की शादी एक सुंदर से राजकुमार से हो गई। दूध में ढेर सारा केसर और हल्दी मिलाकर पिया करो, हो सकता है तुम्हारा रंग साफ हो जाए और तुम्हारी आई तुम पर इतनी कढ़ाई ना करे, सख्ती से पेश ना आए। ज्यादा काली हूँ, इतने से हल्दी दूध केसर से कुछ नहीं होगा, जल्दी से गोरा होना है तो। परी की आवाज है, देखिए ना भाई जी आपको, परी को क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रही है, बस दर्द के मारे बिलक रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शुभांगी हम इसे साईं के पास ले चलते हैं। शुभांगी शांत हो जाओ, शुभांगी ठीक हो जाएगी, परी हम आए हैं ना साईं के पास। हाँ
इसकी नाड़ी बहुत तेज चल रही है। क्या हुआ साईं? कोई गंभीर बात तो नहीं? मेरी परी को कुछ होगा तो नहीं ना? परी ने वरण भात के अलावा कुछ और भी खाया था। तारा, तुम्हें मालूम है परी ने क्या खाया है? नहीं आत्या। मेरी तरफ देखो परी। परी को दूध पीना पसंद नहीं है ना? दूध पसंद नहीं है इसीलिए जबरदस्ती पिलाना पड़ता है। कहती है कि दूध पीने से इसे उल्टी आती है।